नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोबिन के टेक पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेके बहुत बड़ा अपडेट निकल के आई। बिल्कुल दोस्तों आप सभी को बता दें, आज यानी कि दोस्तों 1 सितंबर से प्रधानमंत्री आवास योजना का जो कार्य दोस्तों वो कई सारे राज्यों में प्रारंभ होने जा रही है। तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं आखिरकार कौन कौन से राज्य अंतर्गत दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना का जो कार्य प्रारंभ होगी, आखिरकार दोस्तों कौन कौन से लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा और कौन कौन से दस्तावेज दोस्तों आपको रेडी रखना है और कहां से जाके दोस्तों आवेदन करना है, सारा डिटेल आज की इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भूल जाते इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं लोग जानकारी की ओर। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है सरकारी वेबसाइट माई स्कीम, इसी के अंतर्गत दोस्तों मैं आपको सारा जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग फायदे की बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कई सारे जो पॉइंट है वो दिए गए हैं, आप दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सारा पॉइंट को पढ़ सकते हैं। मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसके माध्यम से दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं मुख्य बात बता दूं कि आपको दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अगर दोस्तों आप पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं तो आपको दोस्तों 1,30,000 रुपए मिलते हैं, और दोस्तों अगर आप लोग मैदानी क्षेत्र से आते हैं मतलब समतल जमीन जहां पर रहता है उस क्षेत्र से आते हैं तो आपको दोस्तों 1,20,000 रुपए मिलते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं पात्रता की, कि आखिरकार कौन कौन से लाभार्थी को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों कई सारे जो कारण है वो दिए गए हैं, अगर दोस्तों इनमें से कोई भी कारण आप पे है, आप आश्रय विहीन है तो आपको दोस्तों प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। अगर दोस्तों आप निराश्रित भिक्षा पर जीवन यापन करते हैं तो दोस्तों आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। हाथ से मेला ढोने का कार्य करते हैं तो दोस्तों आपको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 5 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से दोस्तों अगर आप कोई सा भी सेक्टर से आते हैं तो आपको दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आवेदन का जो प्रक्रिया है वो क्या है। लेकिन दोस्तों आवेदन का प्रक्रिया से पहले दस्तावेज देखने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी आवेदन में आपको दस्तावेज जरूर लगते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग आवश्यक दस्तावेज देख लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन सा जो दस्तावेज है वो हमको देना है। तो इसको लेकर दोस्तों यहाँ पे 5 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, आप दोस्तों 5 पॉइंट को देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको आधार कार्ड, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों आपको रेडी रखना है, इसको दोस्तों अपडेट करा के रखना है, ठीक है। जॉब कार्ड, अगर दोस्तों आपके पास जॉब कार्ड नहीं है तो आपको सिंपली तो अपने मुखिया के पास जाना है, वो दोस्तों आपको जॉब कार्ड नंबर दे देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बैंक खाते का विवरण, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा तो इसी में आना है, आपका घर में आकर कोई पैसा तो देगा नहीं। दोस्तों आपका जो खाता है वो चालू रहना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों आपका खाता अगर चालू नहीं रहेगा तो भैया आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ पाएगा, क्योंकि दोस्तों आपसे को पता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत या फिर कोई भी योजना के तहत दोस्तों जो पैसे आते हैं वो डायरेक्ट बैंक पे ही आते हैं, आपके घर में तो कोई पहुंचा के देगा नहीं, ठीक है। तो आपका जो खाता है दोस्तों वो अपडेट रखना है, बिल्कुल दोस्तों ये नहीं कि खाता खुलवा लिए है 5 साल पहले और भूल गए हैं कि भैया आप तो कोई मतलब ही नहीं है। तो भैया अपना जो खाता है उसमें पैसा डालते रहिए, अपना बैंक जाते रहिए, खाता को अपडेट कराते रहिए, ताकि दोस्तों आपका ये जो बैंक खाता है वो चलता रहे, ब्लॉक ना किया जाए। चौथा जो आपको दिया गया दोस्तों वो स्वच्छ भारत मिशन, ये भी दोस्तों आपको मुखिया के पास मिल जाएगा, तो मुखिया के पास जाके आपको ले लेना है, ठीक है। इसके बाद जो शपथ पत्र जिसमें कहा गया हो कि लाभार्थी या उनके परिवार के सदस्यों के पास के या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य के पास अगर दोस्तों पक्का मकान पाया जाता है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज का दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर दोस्तों आपका जो घर है वो पक्की नहीं है, कच्ची है, तभी आपको इसके लिए अप्लाई करना है। इसका दोस्तों आपको प्रमाण भी देना पड़ेगा, मतलब दोस्तों एक जो दस्तावेज वो बनती है तो इसका दोस्तों आपको प्रमाण भी देना पड़ेगा, मतलब लिख के आपको एप्लीकेशन के रूप में देना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं आखिरकार आवेदन प्रक्रिया क्या है, चूंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, बिना डॉक्यूमेंट्स का दोस्तों तो आप आवेदन कर नहीं सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं आखिरकार आवेदन का क्या प्रक्रिया है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा जो पॉइंट है वो दिया गया है, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे 11 पॉइंट दे दिया गया है। तो सबसे पहले आप सबको बता दें जो आवेदन है वो ऑनलाइन होती है, लेकिन आप खुद से ऑनलाइन नहीं कर सकते, आपको दोस्तों इसके लिए ब्लॉक कार्यालय जाना पड़ेगा, और ब्लॉक कार्यालय जाने के बाद दोस्तों आपको आवेदन करने को मिलेगा, मतलब वो दोस्तों आपको आवेदन कर देंगे, साथ ही साथ दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन भी कर दिया जाएगा। यहाँ पे कई सारे जो पॉइंट है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट है दोस्तों उसको मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, आप दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जो है वीडियो को रोक के दोस्तों आप पढ़ लेना, ताकि आपको सारा जो डिटेल है दोस्तों वो पता चल सके और दोस्तों आप आसानी से अप्लाई कर सके, इसमें दोस्तों आपको कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों बता दें कि कौन कौन से राज्यों के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना का जो कार्य प्रारंभ हुई है, तो आप सबको बता दोस्तों कि
अभी तक जो है किसी तरह अपडेट नहीं आई है, लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि 1 तारीख से यानी कि आज के डेट से दोस्तों 2800 राज्य में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सिंपली दोस्तों अपने मुखिया से पता कर लेना है कि आपके राज्य के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो कार्य है वो प्रारंभ हुई या नहीं हुई है, आपको दोस्तों मुखिया से पता कर लेना है। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको अपने मुखिया से पता कर लेना है, वो आपको सारा डिटेल बता देंगे, साथ ही साथ दोस्तों आपको जो प्रक्रिया है वो भी बता देंगे। तो यही जो अपडेट था दोस्तों फिलहाल अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ओर से निकल के आ रही थी, सोचा क्यों ना भैया आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। दोस्तों आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संबंधित किसी भी तरह जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में बता दो, मैं दोस्तों 100% जवाब दूंगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।